हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जामर। दोस्तों, मैजिक ट्रिक सीरीज में आज हम लोग एक और बेहतरीन मैजिक ट्रिक डिस्कस करेंगे और इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग जितनी भी बौद्ध संगीतियां हुई हैं उन चारों बौद्ध संगीतियों को क्रम से एक बार में याद कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस ट्रिक को और उसकी डिटेल को। तो दोस्तों, बौद्ध संगीतियों को याद करने की जो ट्रिक है वो क्या है, राजा महाकश्यप आजा। राजा महाकश्यप आजा, वैशाली सबका काल है। यहाँ पे दोस्तों बहुत चाहिए, वैशाली सबका काल है। पटाले मोगली पुत्र अशोक, कुंडल मित्र कनिष्क है। तो दोस्तों ये है आज की ट्रिक और अब देखते हैं दोस्तों इसकी डिटेल क्रम से। तो दोस्तों यहाँ पर इसकी डिटेल को देखने के लिए हम लोग कुछ कॉलम बना लेते हैं। कॉलम क्या, पहला कॉलम हमने बना लिया दोस्तों समय का, किस समय पर हुई थी। दूसरा बना लिया हमने स्थान, किसका दोस्तों, दूसरा बना लिया हमने स्थान का कॉलम, स्थान। और तीसरा बना लिया हमने अध्यक्ष, क्या बना लिया दोस्तों, तीसरा बना लिया हमने अध्यक्ष, तीसरा बना लिया हमने अध्यक्ष। और चौथा बना लिया हमने राजा, या किसके काल में हुई थी। तो दोस्तों अब हम इसकी डिटेल देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमने लिखा है राजा महाकश्यप आजा। तो जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी, जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी वो हुई थी 483 ईस्वी पूर्व। दोस्तों ये 483 ईस्वी पूर्व पहली बौद्ध संगीति हुई थी और हुई किस स्थान पर थी। राजा का मतलब राजगृह, क्या हुई थी दोस्तों, ये हुई थी राजगृह में पहली बौद्ध संगीति। और इसका अध्यक्ष कौन था दोस्तों, इसका अध्यक्ष था महाकश्यप। कौन था दोस्तों, इसका अध्यक्ष था महाकश्यप। महाकश्यप ने इसकी अध्यक्षता की थी। और राजा कौन था दोस्तों, राजा था आजाद शत्रु। कौन था दोस्तों राजा, राजा था आजाद शत्रु, राजा था आजाद शत्रु। तो दोस्तों ये हुई पहली इसकी डिटेल, पहली बौद्ध संगीति की डिटेल क्या हुई है दोस्तों। राजा महाकश्यप आजा पहली बौद्ध संगीति हुई थी 483 से पूर्व, हुई कहां पर थी, राजगृह में थी। अध्यक्ष कौन था, महाकश्यप था। राजा कौन था, आजाद शत्रु था। अब दोस्तों दूसरी की डिटेल देखते हैं। दोस्तों दूसरी की डिटेल क्या है, वैशाली सबका काल है। दोस्तों दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी 383 ईस्वी पूर्व, 383 ईस्वी पूर्व ये दूसरी हुई थी। और हुई कहां पर थी, वैशाली। कहां पर हुई थी दोस्तों, ये हुई थी वैशाली में हुई थी दोस्तों। अच्छा, इसमें अध्यक्ष कौन था, सबका का मतलब सबकामी, क्या दोस्तों इसका मतलब हुआ, सबकामी। इसको कई बार सभाकामी भी पढ़ते हैं, सभाकामी भी पढ़ते हैं, तो सबकामी से आपको याद रहेगा। तो अध्यक्ष कौन हुआ, सबकामी हुआ। और किसके काल में हुई थी, राजा कौन था दोस्तों, काल से बना काला शोक, क्या हुआ दोस्तों, काला शोक। तो इस समय पर जो दूसरी बौद्ध संगीति किसने करवाई थी, उस समय का राजा था काला शोक, काला शोक ने दूसरी बौद्ध संगीति करवाई थी दोस्तों। अब आ रही है तीसरी बौद्ध संगीति की। तो तीसरी क्या है, पटाले मोगली पुत्र अशोक। तो तीसरी हुई थी दोस्तों 255 ईस्वी पूर्व, 255 ईस्वी पूर्व में तीसरी हुई थी। और ये कहां हुई थी दोस्तों, पटाले से बना पाटली, क्या बना दोस्तों, पाटली, पटाले से बना पाटली पुत्र। तो दोस्तों तीसरी हुई थी पाटली पुत्र में हुई थी और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, अध्यक्षता की थी मोगली पुत्र तिश्य ने। किसने दोस्तों, अध्यक्षता की थी मोगली पुत्र तिश्य, अध्यक्षता की थी मोगली पुत्र तिश्य ने। और राजा कौन था दोस्तों, तो राजा था अशोक। कौन था दोस्तों, राजा था अशोक। तीसरी बौद्ध संगीति अशोक ने करवाई थी। अब देखते हैं चौथी बौद्ध संगीति दोस्तों। दोस्तों चौथी बौद्ध संगीति है पहली एडी में, फर्स्ट ईस्वी में हुई थी दोस्तों, ये पहली ईस्वी में हुई थी, फर्स्ट एडी में हुई थी। और कहां पर हुई थी,
हुई थी कुंडल से, क्या बना दोस्तों, कुंडल वन, क्या बना दोस्तों, कुंडल वन। तो दोस्तों जो चौथी बोध संगीति हुई थी पहली ईस्वी में हुई थी वो कुंडल वन में हुई थी। अच्छा इसका जो अध्यक्ष था वो कौन था, मित्र से बना वसु मित्र, कौन था दोस्तों, वसु मित्र इसका अध्यक्ष था इस बोध संगीति का, चौथी वाली का। और इसका राजा था कौन था, राजा था कनिष्क, कौन था दोस्तों, राजा था कनिष्क। तो कनिष्क के काल में ये चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। तो दोस्तों ये है चारों बौद्ध संगीतियां जिनको हमने इस ट्रिक के माध्यम से याद किया है। दोस्तों एक बार मैं आपको और बता दूं, इस ट्रिक में सबसे पहले हम लिखा है स्थान, क्या लिखा दोस्तों, स्थान। दूसरे नंबर पर हम लिखा है अध्यक्ष, और तीसरे नंबर पर लिखा हमने राजा, क्या लिखा दोस्तों, राजा। स्थान अध्यक्ष राजा, स्थान अध्यक्ष राजा, स्थान अध्यक्ष राजा, स्थान अध्यक्ष राजा, इस क्रम में हमने इस ट्रिक को बनाया है। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये ट्रिक आपको बहुत अच्छे से याद हो गई होगी। पहली बौद्ध संगीति कब हुई थी, 483 ईस्वी पूर्व हुई थी, कहां पर हुई थी, राजगृह में, राजा से बना राजगृह, राजगृह में हुई थी। अध्यक्ष कौन था, मां कश्यप था, और राजा कौन था, अजात शत्रु था। इसी तरीके से दूसरी बौद्ध संगीति 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी, कहाँ हुई थी, वैशाली में हुई थी। अध्यक्ष कौन था, सबकामी या सवागामी था, और राजा कौन था, कालाशोक था। दोस्तों इसी तरीके से तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी 255 ईस्वी पूर्व हुई थी, पटाले से बना पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र स्थान पे हुई थी। अच्छा अध्यक्ष कौन था, मोगलीपुत्र से बना मोगलीपुत्र तिश, अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिश था, और राजा कौन था, अशोक था। और इसी तरीके से चौथी बौद्ध संगीति हुई थी वो हुई थी पहली एडी इंग्स आई मीन पहली ईस्वी में हुई थी, और कहां पर हुई थी, कुंडल वन में हुई थी, और अध्यक्ष कौन था, मित्र से बना वसु मित्र, और राजा कौन था, कनिष्क राजा था। तो दोस्तों आपको एक खास बात ये याद रखनी है, जो हमने ये संगीतियों के बारे में ट्रिक बनाई है उस ट्रिक में क्या क्या हमने लिखा है। सबसे पहले स्थान लिखा है, फिर अध्यक्ष लिखा है, फिर राजा लिखा है। इस तरीके से इस ट्रिक के माध्यम से आप इन चारों बौद्ध संगीतियों को बड़े ही आसानी से एक बार में याद कर सकते हैं। दोस्तों ट्रिक आपको ऐसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट